बिस्तर को हटा के इधर साइड रख देते हैं बेड पे सब। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चल रहे हैं, आज ब्लॉगिंग करते हैं, आप सबको दिखाते हैं। तो यहाँ का सिंचाई कर रहे हैं, आज पूरा सूख गया है और धूप ज़्यादा तेज़ी से होता है, तो अब तो 3 दिन पर ही सिंचाई करना पड़ेगा। पर सिंचाई कर रही हूँ, इधर मिर्ची लगाए हैं और गुलाब का पौधा लगाई थी तो लग गया पूरा। यहाँ पर पूरा सिंचाई कर चुकी हूँ, थोड़ा सा बाकी है, सिंचाई कर लेते हैं। और उधर साइड का पूरा सींच चुके हैं, पानी तो इधर उधर फिर जाता है। पहले बताई ढाल गुलाब का पौधा लगाई थी, अब तो फिलहाल फूल आने लगा है इसमें। और यहाँ भी पौधे में पानी दे देती हूँ इधर। तो दोस्तों इतना सारा कपड़ा धुल दी और अभी किचन गार्डन का सिंचाई भी कर दी। तो यहाँ पर बर्तन को मांज रहे हैं, तो अभी इधर का झाड़ू नहीं लगा पाए हैं। हवा आज हमारे यहाँ देखिए बहुत तेज़ी से चल रहा है, ऊपर दिखाओ तो। फिलहाल अब तो हवा कम हो गया है और अभी 1 घंटा पहले बहुत तेज़ी से जैसे आंधी आया हुआ। तो इस समय गेहूँ पकने के कगार पे है, तो इस महीने में इसी तरह हवा अब चलेगा। गर्मी है देखिए कितना तेज़ी से। अभी शाम का 4 बज रहा है, बच्चे सब स्कूल से आ गए हैं, से अच्छे से साफ हो जाता है। तो कपड़ा यहाँ धुलती हूँ, अभी फैलाना है। पहले बर्तन को मार लेते हैं फिर फैलाते हैं। यहाँ पे हम मुर्गे को खाना खिला रहे हैं, तो आज मम्मी बर्तन को धुल दी है। तो दोस्तों यहाँ पर बर्तन धुल के रख दी हूँ, अब चलती हूँ कपड़े को फैला देती हूँ। तो अब तो काम हो गया है, आज सो गई थी सुबह तो कपड़ा सब धुल नहीं पाई, तो इस टाइम धुली। तो यहाँ पर कपड़ा फैला रही हूँ, ये वाला ले जाओ अलमारी में रखा गुंजन, रहने दो फैलाने का, हम फैला देते हैं। तो वो भी फैलाने जा रही थी गुंजन। तो यहाँ पर कपड़े को फैला देते हैं। गाँव में अक्सर ऐसा है, सभी के घरों में खुला रहता है तो इधर उधर से धूल मिट्टी उड़ के आता रहता है। तो अभी दुआरे का भी सफाई करेंगे और पोछा भी लगा देंगे। तो यहाँ पर फैला देते हैं कपड़ा, फिर दिखाते हैं आप सबको। तो दोस्तों पूरा कपड़ा फैला चुके हैं, एक बचा है फैला लेते हैं। पूरा यहाँ पूरा अर्धन पे डाल दी हूँ। और तो अब चलते हैं पोछा लगा लेते हैं। तो कपड़ा फैलाने के बाद में यहाँ पर सारा झाड़ू लगा दी हूँ, अभी पोछा लगाना बाकी है। तो आज उल्टा काम कर दी, पहले कपड़ा धुली, बर्तन माजी, फिर उसके बाद में झाड़ू लगाई थी, पहले से पोछा नहीं लगाई। तो यहाँ शीतल अपना कपड़ा सब रख रही हैं और सब यहाँ अभी गैस का सफाई भी करना है। और सब तो चंदन चले गए हैं अपना दवा लेने, पता नहीं सबको बुखार आ गया है और क्या कारण है क्या नहीं। तो चारों बच्चे बीमार हैं इस समय, सबको बुखार आता रहता है बराबर। तो बहुत दिक्कत है, दवाई दवाई से तंग हैं। और एक साथ में बुखार ये तो बुखार छोड़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर कपड़ा ये अपना रख लेती हैं, फिर अभी चल। तो यहाँ का पल्ली हटा दिए हैं और ये सब सामान, अभी ये टूट गिर जाएगा सब, तो हटाते हैं। पहले झाड़ू लगा लेते हैं फिर पोछा लगाएंगे, बिस्तर को साफ कर देते हैं। मच्छरदानी यहीं दिन में सोई हुई थी, क्योंकि मच्छर भी दिन में लग रहे हैं, मक्खियां भी बहुत परेशान करती हैं। रहने दो इसे, निकल आओ इधर। तो यहाँ पर सारा निकाल लेते हैं, ये अंजलि का स्वेटर बाहर वाले पे टांगू, ये किसका कपड़ा। तो बिस्तर को हटा के इधर साइड रख देते हैं बेड पे, सब लाकर
झाड़ेंगे। तो चांदनी बहा रही है, तकत के नीचे मैं जा नहीं पाऊंगी। तो चांदनी बोली लाओ मम्मी हम साफ कर देते। तो यहाँ पर बिस्तरा लगा दी हूँ। अभी दोस्तों हमारे यहाँ रात में ठंड होता है, तो अभी रजाई ओढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए रजाई अभी नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर रखी हूँ, तो ले चलते हैं वहाँ पर रख देते हैं। हटो अंजलि, हटी। तो दोस्तों बर्तन धुल के वहाँ गैस का सफाई भी कर दी हूँ, उधर का भी पोछा लगा दी हूँ। अब इधर पोछा लगा रहे हैं, तो पूरा लगभग पूरे घर का पोछा लग चुका है। यहाँ पर पूरा पोछा लगा ली हूँ, अब पूरा दुआरी का सफाई कर दी है। फिलहाल अब हवा चलना बंद हो गया, तो ले जाओ पोछा वहाँ रख दो। तो दोस्तों हम और चांदनी मिलकर दुआरी को बहा रहे हैं। चांदनी अभी पीछे बहा रही है और मैं इधर बहा रही हूँ। दो चार बर्तन बाद में सब लोग खाए हैं, बच गया है। तो वहाँ पर बहन माँज रही है, अभी बर्तन को लाकर इधर रखेंगे। तो हम सब झाड़ू लगा लेते हैं, पूरा सफाई कर लेते हैं दुआरी का। दोस्तों यहाँ बर्तन गुंजन और शीतल रख जा रही हैं, धुल के रख दी थी। तो अब झाड़ू लगा लेते हैं, तब बाल्टी सब यहाँ से हटाते हैं। तो दोस्तों पूरा सफाई कर दी हूँ इधर का, और यहाँ फेंकने के लिए दे रहे हैं, ले जाकर पूरा फेंक आएंगे। तो यहाँ दुआरे का सफाई कर दी, और कल फिर ऐसे हो जाएगा, क्योंकि कूड़ा इधर उधर से पेड़ से पत्तियां भी टूट के गिरता रहता है। तो सारा इधर का काम पूरा हुआ। तो आज चंदन पानी भर रहे हैं टंकी में, वहां पर चढ़े हुए हैं। जूम कर दी हूं और नमस्ते कर रहे हैं, आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रहा है। तो पानी भर रहे हैं, कितना भर गया चंदन? तो पूरा लगभग भर चुका है, और वहाँ पर चढ़े हुए हैं। और शाम हो गया है दोस्तों, दिन डूबने वाला है बिल्कुल, अब टाइम ज़्यादा नहीं रहा। तो यहाँ पानी भर लेने देते हैं। तो मैं अभी आप सबको दिखा रही थी वहाँ टंकी में पानी भर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं काम कर रही थी घर का। तो यहाँ पर पपीता को छिल रहे हैं, और बहुत अच्छा पका हुआ है। तो यहीं पड़ोस में विशाल के घर फरा हुआ था, वहीं पर बैठाए हैं दुआरे पे, तो अंजलि लेकर आई थी। लगभग पपीते को छील चुकी हूँ और बिल्कुल आम की तरह पका हुआ है। तो यहाँ पर चंदन पाइप को खींच के ला रहे हैं, अभी वहाँ टंकी में पानी भर रहे थे तो आप सबको दिखाई थी। यहाँ पपीता को काट दी, एक भी तो पता नहीं क्यों पपीते में एक भी बिया नहीं निकलता। तो यहाँ प्लेट में रख रहे हैं काट के, महक बहुत अच्छे से आ रहा है। तो यहाँ प्लेट में पपीते को काट, यहाँ पर प्लेट में पपीता काट के रख दी हूँ। देखिए बिल्कुल पका हुआ है और लाल लाल दिख रहा है, जिसे आम। तो दोस्तों पूरा पपीता छिल दी, यहाँ पर दे देते हैं इन सबको खाने के लिए। ये लो, खा लीजिए। तो हम सब पपीता खा रहे हैं, आप सबको बुला रही हैं खाने के लिए। फिर चलते हैं, शाम का खाना बनाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। तो आज ब्लॉगिंग पूरा किए घर का, सुबह से शाम तक खाना नहीं बनाई, और आज ज़्यादा काम था घर पे, तो दिन में सो गई। जो ये सब स्कूल से आए तो वीडियो बनाना शुरू की, तो इसीलिए कुछ बना नहीं पाई। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते।